नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम कक्षा 9 का जो है संस्कृत व्याकरण संधि प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी अपनी किताब जो है सामने खोल करके और कायदे से उसको देख देख कर पढ़िए, समझिए। तो चलिए देखते हैं फिर संधि। जैसा कि आपको पहले ही बताते चले आ रहे हैं कि संधि क्या होता है, किसे कहा जाता है, 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं तक हमने आपको संधि पढ़ाई दिया था। तो इसमें ढेर सारा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस जो जो आपके सिलेबस में है, चैप्टर में है, बस उसी उसी को आप जो है ध्यान से पढ़ते चलिए। चलिए देखिए, तो संधि किसे कहा जाता है, संधि किसे कहा जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए नोट भी करते चलिएगा, दो या दो से अधिक अधिक वर्णों के मेल से, किसके मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दिखाई दे रहा है ना मेरे बच्चों, जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको बता दें संधि मतलब क्या होता है, मेल या जोड़, जोड़ या मेल। संधि माने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ या मेल। जैसे देखिए, वैसे तो हर जगह आप घरों में भी देखते हैं या अपने शरीर में ही देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं आपके शरीर के जो अंग हैं वो हर एक माध्यम से जो है जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे आपका ये हाथ है तो हाथ भी देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, पैर भी देखिए घुटने से जुड़ा हुआ है, तो हाथ पांव में भी संधि हुई है, क्या हुई है, संधि हुई है ना। जैसे पांव का ये पांव जो है आपका घुटने से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, कब्जेदार संधि या खुटी दुराग्रह खुटीदार संधि। ग्रीवा आपकी जुड़ी हुई है तो हर एक चीज में संधि हुई है मेरे बच्चों। जैसे देखिए आपकी ये दरवाजा है या खिड़की है उसको आप जोड़ते हैं, उसको भी बोलते हैं ना कि कब्जेदार संधि हुई है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो यही होता है, मेल या जोड़। क्या होता है बच्चों, मेल या जोड़। ठीक, आ रहा ना सुनने, मेल या जोड़। अब देखिए, जैसे आपको बता दें, यहां हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्ण क्या होता है बच्चों, वर्ण ध्वनियों के मेल से क्या बनता है, वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से पद या वाक्य बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये देखिए, अब तो आपको ये संधि समझ में आई गई होगी कि संधि किसे कहा जाता है। आ गया ना कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। ठीक है, जोड़ या मेल। ठीक है, और ये विकार शब्द जो आया है, ये विकार का मतलब दोष से नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ये विकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये परिवर्तन से होता है। किससे होता है, परिवर्तन से। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी जो बदलाव होता है जब दो या दो से अधिक वर्णों को हम इस प्रकार से मिलाते हैं कि उनमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आ समझ में ना। चलिए फिर देखिए, अब उसके भेद, अब इसके भेद को आप पढ़िए, वेदों में जो भी वेद प्रभेद आते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो संधि मुख्यतया मुख्य रूप से कितनी होती है, संधि मुख्यतया कितनी होती है, तीन होती है। कितनी होती है बच्चों, तीन। संधि जो आपकी होती है वो मुख्य रूप से कितनी होती है, तीन होती है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से। देखिए अब जैसे
पहली संधि क्या है? स्वर संधि। कौन सी संधि है बच्चों? स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन माने क्या होता है? व्यंजन माने, अरे पंखा भी होता है, ठीक है, भोजन भी होता है, ठीक। तो यहाँ व्यंजन का मतलब क्या है? वर्णों से है कि अक्षरों से है कि पंखा से है या फिर भोजन से है? किससे है? अक्षरों से है, व्यंजन संधि। फिर आपका आता है अगला विसर्ग संधि। कितना होता? विसर्ग संधि। तो इस तरह से आपकी जो संधि होती है मेरे बच्चों, वो मुख्य रूप से कितनी होती है? तीन होती है, ठीक है। अब तीन संधि में जो आपके इन संधियों के भेद और प्रभेद होते हैं, तो आपको कक्षा में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, बस स्वर संधि के वही जो चार पांच भेद दिए हैं वही आपको पढ़ना है, बाकी तो आप कक्षा 10 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्वर संधि के भेद आपको बता दे रहे हैं। ये जो आपकी स्वर संधि है, ठीक है, अब इसमें आपकी क्या आती है? पहली संधि कौन सी आती है? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। फिर गुण संधि, उसके बाद यण, फिर अयादि, उसके बाद आपकी आती है वृद्ध संधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस स्वर संधि में ये जो आपके पांचों भेद दिए गए हैं, कक्षा 9 में आपको बस उतना ही अध्ययन करना है जितना इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको स्वर संधि में मुख्य रूप से यही पांच संधि आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम आपको क्रम से बता देते हैं। तो ये रहे आपके संधि के भेद और प्रभेद, समझ में आया ना? चलिए फिर आगे देखिए आप स्वर संधि। तो चलिए अब आप देखिए स्वर संधि। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्वर संधि क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि स्वर संधि में अक्षर किनका मेल होता है? स्वर वर्णों का। किसका होता है? स्वर वर्ण का। तो स्वर आप जानते ही हैं, स्वर किसे कहा जाता है ये भी नहीं जानते हो? हाँ? तो स्वर स्वर किसे कहा जाता है बेटा? हाँ चलिए, अच्छा बताइए स्वर किसे कहा जाता है? नहीं बताना? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि में आपका जो है ये स्वरों का मेल होता है। किसका होता है? स्वरों का। संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 9। और व्यंजन कितने होते हैं? 35। संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं? 35। 35 9 42। तो इस प्रकार से आपके स्वर और व्यंजन की संख्या जो होती है मेरे बच्चों, वो संस्कृत में कितनी होती है? 42। तो चलिए आप देखिए ये स्वर संधि। स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकह शवन्ने दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा। अब जैसे हम आपको बता दें बच्चों कि अभी भी हमने पहला जो वीडियो आपके सामने पेश किया था, उसमें हमने आपको प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पढ़ाया था। फिर ये जो देखिए आपकी जो संधि होती है, सबसे पहले संधि को जानने से पहले हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, जिसको आप समझ भी चुके होंगे। अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्रत्याहार क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए संधि जानने के लिए ये आपके लिए अति आवश्यक होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ हमने आपको एक सूत्र बताया कि स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अकह शमंडे दीर्घ। अकह का मतलब होता है अक प्रत्याहार। क्या होता है? अक प्रत्याहार। और श का मतलब होता है समान। समान क्या होता है? समान। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। नाक्षर, जिसका विनाश ना हो। दीर्घा मतलब दीर्घ हो जाता है, यानी अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर वो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। तो अक प्रत्याहार में जैसे आप कहेंगे कि अक क्या होता है, अक में कैसे क्या आएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? माहेश्वर सूत्र ऐसे नोट कर लेते हैं कि मान लीजिए समझने के लिए, जानने के लिए उसको। अयोड ऋग एंग अयोच
ये मेरा टू। तो आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, पहले आपको पढ़ाई दी है, बस इतना समझने के लिए केवल दे रहे हैं कि आप समझ सको उस बात को। तो जैसे हम यहाँ अक बनाएंगे, कौन सा प्रत्याहार बनाएंगे? अक। अ को जब हम का से जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अक बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ अक जो आया, अक में कौन कौन से वर्ण आ गए? अ ई ओ। बताया था ना हमने आपको कि जब हम इसकी गणना करते हैं तो जो लास्ट वाले वर्ण होते हैं, जिसपे हलंत होता है, उसे हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, उसकी गणना हम उसमें नहीं करते हैं। तो अक में कौन कौन से आ गया? अ ई ओ री और री। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि अ ई ओ री, उसके बाद आ जाती है री। तो ये हो गया। अब यहाँ जो बात हो रही वो स वर्ण। स का मतलब क्या होता है? समान, यानी जब इसके कोई समान वर्ण है, जब इसके कोई समान वर्ण है। समान का मतलब जैसे अब आ के बाद अगर आ आएगा तभी वो समान होगा, अगर आ के बाद ई आ जाएगा तब वो क्या होगा? असमान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब जैसे अ के बाद अगर आ आ गया तो ये मिल करके क्या होता है? ये बड़ा आ हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। अब इसी प्रकार ये ई ई मिलकर के क्या होता है बच्चों? बड़ी हो जाती है, ठीक। ओ ओ मिलकर के क्या बनता है? बड़ाऊ हो जाता है। और री मिलकर के क्या बन जाती है? बड़ी री। इसकी गणना उसमें संस्कृत में नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए नियम। नियम समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो फिर नियम आपको समझ में आ गया। आप एग्जांपल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, ठीक। जैसे देखिए, अ मिलकर के क्या होता है? बड़ा। जैसे यहाँ शिव धन आलय, क्या लिखा गया है? शिव धन आलय। अब आप पूछेंगे, यहाँ मैडम ने तो नियम बताया था कि अ और आ मिलकर के तब बड़ा होता है, फिर यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तो व्यंजन वर्ण आ रहा है, फिर तो आ कहाँ है? लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि बगैर स्वर के व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम वा बोलते हैं फिर भी इसमें क्या आता है? अ आता है, ठीक। तो ये आ और ये आ मिलकर के क्या होता है? समान हो जाता है, ठीक है। जब ये समान हो जाता है तो ये यहाँ क्या बनता है? शिवा। क्या बनता है? शिवा। और ये आ जाता है ल। अब यहाँ जो बड़ा हुआ इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। शिवालय, विद्यालय, विद्या धन क्या होता है? आलय। अब यहां देखिए, अ समान है तो ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। फिर आगे देखिए आप, जैसे कपि और ईस, यहां आपको बताया गया ना कि अक शाम वर्ण दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर, श यानी समान वर्ण माने अक्षर, यानी समान अक्षर आने पर, समान वर्ण आने पर दीर्घा का मतलब दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए ई क्या है? प्राय समान है। तो जब ये समान हो जाती है तो इसको क्या लिखते हैं? कपीश, ठीक। अब यहाँ जो बड़ी हुई इसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि, ठीक। जैसे नदी और ईस, यहाँ देखिए ई समान है, अब ये क्या हो जाएगी? नदीस, ठीक। वधु, उत्सव, ओ प्राय क्या है? समान है। तो ये क्या बनेगा? दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। वधोत्सव, लघु, उर्मी। उर्मी माने क्या होता है? लहर। लघु माने छोटा। तो ये देखिए, वो समान आया, अब ये क्या बना? लघु। में यहाँ बड़ा हो गया, इसी को क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। अब यही जो बड़े हो रहे हैं, सब बड़े समान समान आने के बाद जो बड़ा बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि, ठीक। इत्र धन ऋणम, अब यहाँ देखिए री री समान आ रहा है तो ये क्या बनेगा? पितृणम, ठीक। इसी प्रकार मातृ धन ऋणम, मातृ डम, भातृ धन ऋणम, भातृ डम, ठीक। तो ये आपकी स्वर संधि जो है समाप्त हुई। अब आगे आप देखिए गुण संधि। गुण संधि, इसका सूत्र क्या है? अद्गुणा।
आध गुड़ा या अधेड़ गुड़ा क्या कहते हैं? अधेड़ गुड़ा। अब जैसे देखिए, आपने अभी उसमें जो पढ़ा स्वर संधि में, दीर्घ संधि जो आपको हमने बताया, उसमें आपने देखा तो उसमें सब समान समान आने पर क्या बनते थे? बड़े होते थे ना। अब यहाँ वही चीज होता है कि वो विपरीत होता है उसके। ठीक, वो समान होते थे, अब यहाँ विपरीत वर्ण आएंगे। जैसे क्या आ गए, आ के बाद मान लो ई आ गए, ठीक, तब क्या बनते हैं? ए। और अ के बाद अगर ऊ आ गए तब क्या बनते हैं? ओ। और अ के बाद अगर रे आ गई तब क्या बनेगा? अर। अ के बाद अगर ल आ गए तब क्या बनेगा? अल। ये होता है, ठीक है, ये इसका मतलब नियम है कि जैसे उसमें आपने समान पढ़ा तो इसमें अब यही होता है कि असमान, यानी अ के बाद आ ना आए। ठीक है, कोई भी आ जाए, आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आ के बाद आ ना हो। ठीक, तो उसमें आपने समान देखा, अब इसमें यही असमानता होती है कि जब भी अ के बाद अगर ई आएगा तो वो ए ही बनेगा, और अ के बाद यदि ऊ आएगा तो क्या बनेगा? ओ। और अ के बाद अगर री आता है तो वो क्या बनता है? और अ के बाद अगर ल आता है तो वो क्या बनता है? हल। ठीक है, ये इसका नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। और अब देखिए, आप जो उदाहरण देखिए इसका, जैसे रमाधन ईस, अभी आपने स्वर संधि में देखा जब दोनों समान आते थे तो बड़ी बनती थी ना। अब यहाँ देखिए, अ के बाद क्या आया है? ई आया है, रमाधन ईस, तो क्या बनेगा? ए हो जाएगा। आई मिलकर के क्या बनेगा? ए रमेश, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, आई क्या बनेगा? ए। तो ये क्या हो जाएगा? उपेंद्र, गणधनीश, गणधन ईस, क्या हो जाएगा? आई ए गणेश, अखिल धनीश, अखिल धन ईस, तो क्या बन जाएगा? अखिलेश। इसी प्रकार सैल धनी, सैलेश। और जो है आगे देखिए, अब ये दूसरा जो दूसरा नियम आपका है, अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए, आओ वो कैसे बनता है। तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? आओ ओ हो जाएगा, क्या बनेगा? महोत्सव। और सर्वधन उदय, सर्वधन उदय, तो ये क्या बन जाएगा? आ वो हो जाएगा, क्या बनेगा? सर्वोदय। भाग्यधन उदय, भाग्यधन उदय, तो ये क्या बनेगा? भाग्योदय। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर दें कि प्रबुधन उदय कर दें तब ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? जरा बताइए आप लोग, प्रबुधन उदय यदि हम कर देते हैं तो ये कौन सी संधि बन जाएगी? दीर्घ हो जाएगी, पहली वाली संधि बन जाएगी दीर्घ, क्योंकि यहाँ देखिए समान समान हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम प्रबोधन क्या लिखते हैं, उदय कर देते हैं, या प्रभाधन उदय, प्रभाधन उदय, तब वो क्या बनता है? प्रबोधय। तो प्रभाधन उदय प्रबोधय, इसको साफ कर दे रहे हैं। फिर देखिए आके बाद री, जैसे शब्दधन क्या होता है? ऋषि। अब मैं आपको बताया ना कि आ और री मिलकर के क्या बनता है? अर हो जाता है। तो यहाँ शब्द में आ और री, सप्तर क्या हो जाता है? ऋषा को सा ले लीजिए, ठीक, आ और री अर, सप्तर ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा? देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, महाधन लकार, क्या हो जाएगा? महाधन लकार। हमने आपको बताया ना कि जब भी आ के बाद क्या आता है? ला आता है, तो वो क्या बनता है? अल हो जाता है। महाधन लकार, महल लकार, क्या हो जाएगा? महल लकार, तवधन लकार, तवल लकार। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपकी जो है संधि समाप्त हुई। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में देते हैं। धन्यवाद।